हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, मैं आज आपको वीडियो बनाने वाला हूँ एक कमेंट कर माध्यम पर। गाइज, मेरा एक कमेंट आया था, मैं आपको कमेंट दिखाना चाहता हूँ। तो गाइज, आपका कमेंट आपके सामने जाएगा। एक कमेंट आया था जितेंद्र साहू का। ठीक है गाइज, जितेंद्र साहू का अगर आपने वीडियो देख रहे हैं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कैसे आपको सर्किट वर्क खींचना है, कैसे आपको एमसीक्यू तक पहुँचना है। ठीक है गाइज, मैं स्पेशली आपके लिए जितेंद्र साहू, मैं स्पेशली आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उसने लिखे हैं, जितेंद्र साहू ने लिखे हैं, मेन सर्किट कैसे बनाए और एमसीबी तक कैसे पहुँचाएँ। तो उसने लिखे मेन सर्किट को कैसे बनाए और एमसीबी तक कैसे पहुँचाएँ। गाइज, इस वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन बताऊँगा जितेंद्र साहू जी। और एक और कमेंट आया था बढ़िया कालपेंडर का। बढ़िया कालपेंडर ने लिखे है, पूरे घर के न्यूट्रल कॉमन रख के तो क्या होगा। इन्होंने लिखे है, अगर पूरे घर का हम न्यूट्रल कॉमन रखे, मतलब जितने मेरे घर का न्यूट्रल एक ही बनाए तो क्या होगा। तो गाइज, मैं आपको भी बता दूं, इस वीडियो में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर हम एक न्यूट्रल बनाएंगे तो मेरा जो है क्या प्रॉब्लम आएगा, क्या नहीं आएगा। ठीक है गाइज, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए गाइज, वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा अनबॉक्सिंग हो जाए, उसके बाद मैं वीडियो का पूरा फुल आपके लिए छोटा सा सरप्राइज देने वाला है। गाइज, आपने टेस्ट सर्विस बाजार का नाम सुना होगा, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। गाइज, टेस्ट सर्विस बहुत बड़ा एक ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट है। यहाँ पर जेंट्स के लिए बहुत बड़ा ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट है। गाइज, यहाँ जेंट्स के लिए सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो गाइज, चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं मेरा जो है टी शर्ट कैसा है और ये कंफर्टेबल है कि नहीं। चलिए, तो गाइज हम इसी का अनबॉक्सिंग आज करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तेज सर्विस बाज़ार। ठीक है, ये तेज सर्विस बाज़ार से हमने प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं और ये बहुत ही फास्ट आया है। और चलिए हम इसको देख लेते हैं अनबॉक्सिंग कैसे है, मैं जो है टी शर्ट मंगाया है कैसे है, इसका क्वालिटी क्या है और ये कंफर्टेबल है कि नहीं। चलिए इसको सब इसको फटाक से हम खोलते हैं और आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं ये जो है टी शर्ट कैसे है और कंपनी ने कैसे ये टी शर्ट बनाई है। तो गाइस, यहाँ पर एक बोतल मिलेगा, ये बोतल में मेरा टी शर्ट है। और गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मोबाइल नंबर उनका दिया है बाज़ार का और पूरा यहाँ पे बिल बना हुआ है इरफान अली दखिन मोहल्ला मीरगंज। यहाँ पर पूरा आपको एड्रेस मिल जाएगा, यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा। गाइस, ये तो कम्प्लीट, इसको हटा देते हैं हम पर्ची को। हम मेन मेरा टॉपिक है यही जो मेरा टी शर्ट है। गाइस, ये टी शर्ट 2-in-1 है, आपको यहाँ पर बोतल भी मिल जाएगा पानी पीने के लिए। गर्मी का मौसम आ गया है और गर्मी मौसम में हम इसको पानी पीने के लिए उपयोग में ला सकते हैं बोतल को। ये जो मेरा टी शर्ट हो गया और ये टाइट कर लेते हैं और मेरी बात आती है टी शर्ट को। गाइस, ये टी शर्ट अच्छा भी है, बहुत ही अच्छा टी शर्ट है। गाइस, ये कलर मेरा फेवरेट कलर है येलो, और मैं बहुत अधिक ज़्यादा टी शर्ट येलो भी पहनता हूँ, येलो और ब्लू। गाइस, ये फुल है और ये बहुत बढ़िया है। ये जो है इसका कपड़ा है, कपड़ा देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही बढ़िया है। चलिए सर, इसको पहन कर चेक कर लेते हैं कैसा इसका है, कम्फर्टेबल लग रहा है नहीं मुझे। गाइस, ये जो मेरा टी शर्ट है जो हमने ऑनलाइन सर्विस से मंगाया है। गाइस, इसका प्रिंट भी आप देख सकते हैं, प्रिंट बहुत अच्छा है। और मुझे कमेंट बॉक्स बताएगा, ये आपका टी शर्ट जो है कैसा लग रहा है। गाइस, ये बहुत ही कंफर्टेबल है, अभी पीछे से देख सकते हो, बहुत हैंडसम लग रहा है भाई। अब लगता है तुम किसी को जीव बना सकते हो। क्या भाई, तुम ये चिड़े का बॉडी क्या दिखा रहे हो? तुम तो हड्डी हो, हवा ने उधिया जाओगे भाई। गाइस, अब मेरा फेस का देख रहे हैं, मैं पहले से ही हैंडसम हूँ। तो फटाक से जाइए हॉलीडे के लिए प्रोडक्ट ऑर्डर कीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक से टी शर्ट ऑर्डर करेंगे तो आपको 49 रुपये का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा, मतलब कि आपको 200 का टी शर्ट 151 रुपये में मिलेगा, मतलब आपका 50 रुपये का फ़ायदा। बस आपको एक काम करना होगा, वीडियो को फटाक से लाइक कर दे, हमें चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए चैनल जो सब्सक्राइब करें। तो गाइस, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर आपको प्रोमो कोड मांगेगा। तो प्रोमो कोड बस आप नाम डाल देना है, इरफान49। प्रोमो कोड डालने के बाद आपको इरफान49 डालना है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका प्रोमो कोड मिल जाएगा। आपको प्रोमो कोड इरफान49 डाल देना है और आपको 49 रुपये को बचा लेना है। तो गाइस, मुझे कमेंट करके बताइएगा ये आपका सरप्राइज कैसा लगा। आपका स्क्रीन पे एक चैनल का नाम जाएगा, आपको करना कुछ नहीं है, यूट्यूब पर सर्च करना टीच बाई SBJ, आपको यूट्यूब पर सर्च करना है, ये चैनल को खोल ओपन कर लेना है और चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको जो भी ऑनलाइन शॉपिंग का ऑफर या जानकारी चाहिए इस चैनल से आपको मिलते ही रहेगा। चलो गाइज, बहुत हो गया अनबॉक्सिंग, अब चलते हैं मेन मुद्दा। तो गाइज, मैं आपको बताना चाहता हूँ सर्किट क्या होता है, सर्किट कैसे खींचता है। तो गाइज, ये तो आपको आपने समझ लिए होंगे, ये पॉइंट है जब मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, अगर आपने देखा है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अब वहाँ से जाइए और इस वीडियो को देख लीजिएगा पॉइंट का, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो गाइज, ये मेरा पॉइंट है,
और पॉइंट ये है, और पॉइंट जो आप देख सकते हैं सेलिंग पर, तो सेलिंग देखा तो गैस अपने सेलिंग लाइट देख ली होगे, होल्डर भी देख लिए होगे गैस, उसी का ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमने खींच लिए। जब तक हम मेन सर्किट को नहीं डालेंगे तब तक ये मेरा वर्क नहीं करेगा, जितने मैंने कंसील लाइट लगाए, जितने मैं होल्डर लगाए। तो अब मैं बात करूँ सर्किट होता क्या है। तो गैस सर्किट आपको न्यूट्रल फेज को सर्किट बोलते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो गैस आप ये देख सकते हैं, एक है फेज मेरा, एक है न्यूट्रल, इसी को हम सर्किट बोलते हैं। मैंने एक स्पेशली एक वीडियो सर्किट पर बनाया है, अगर आप नहीं देखें वो भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या ऊपर आपको आई बटन मिल जाएगा, वहाँ सब जाकर देख सकते हैं। मैंने स्पेशली सर्किट के लिए बनाया वीडियो गैस, ये मेरा सर्किट हो गया, ठीक है गैस। इसी सर्किट, इसी हम न्यूट्रल फेज को सर्किट बोलते हैं। ये जो है डायरेक्ट MC बोर्ड से निकलकर MC बॉक्स तक जाता है, ठीक है। अब मैं अपने कमेंट किए थे सर्किट वर्क कैसे डाले, तो गैस आपको देखना है रास्ता कैसे आपको रास्ता बना हुआ है, या आप अंडरग्राउंड कर रहे हैं या ओपन कर रहे हैं, सर्किट वायर दोनों में खींचा जाता है। अगर आप अंडरग्राउंड वायरिंग करते हैं तो आपको यहाँ से पाइपिंग द्वारा सेलिंग से पाइपिंग होते हुए MC बॉक्स पाइप जो है गिरा होगा। अगर आप 40 ठोक रहे हैं कैंसिल बीट को वायरिंग कर रहे हैं, तो आपको सारे रूम को एक दूसरे शॉर्ट कराकर आपको MC बॉक्स बैठा देना है और आपको सर्किट खींचना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ सर्किट को कैसे खींचा जाए। गैस हमने यहाँ से न्यूट्रल फेज डाले हैं, ये मेरा सर्किट हो गया, और हम इस बोर्ड से आउट कर दिए, उस बोर्ड का है सर्किट है। गैस हमने क्या किया, उस बोर्ड से हम इस बोर्ड से निकाल दिए हैं, और इसी बोर्ड से हम इस पाइपिंग द्वारा ले जाएंगे MC बॉक्स तक। ये मेरा एक रूम का, आगे रूम का सर्किट हो जाएगा। गैस हम यहाँ से खींचे, ये जो मेरा बहुत ही आसान पड़ा, वायर भी बचा और बहुत ही नज़दीक पड़ा। तो हम क्या करेंगे, ये मेरा न्यूट्रल फेज को इस होल में डाल देंगे। गैस हमने उस बोर्ड में न्यूट्रल फेज डाल दिए, हमारा सर्किट हो गया। अब गैस आपको सर्किट कब खींचना है, जब आपके घर में MC बॉक्स लगाओ। अब देख सकते हैं यहाँ पे MC बॉक्स लगाओ, ये आपके घर में मेन बोर्ड लगाओ, तभी आप सर्किट को खींच सकते हैं। क्योंकि सर्किट खींचने का फायदा गैस यही है, अगर आपका एक घर में फॉल्ट होता है आपके एक ही घर का लाइट ऑफ होगा, बाकी सब घर का लाइट जलेगा, ठीक है। अब सर्किट के बारे में हो गया, और सर्किट कैसे खींचना है मैं वो भी बता दिया हूँ। आपको पाइपिंग देखना है, आपको पाइपिंग कहाँ कहाँ से गया है, किधर किधर मिला है, कहाँ से गिरा है, आपको पाइपिंग ध्यान देना होगा। वो सर्किट कब आपको ध्यान देना होगा, पाइपिंग कब ध्यान देना होगा, जब सेलिंग पर पाइप डाल रहे हैं, जब आप ढीली करके पाइप डाल रहे हैं, तभी आपको सर्किट को एक जगह किया जाता है। ये MC बॉक्स एक जगह आपको मिला जाता है, आपको बता सकते हैं मेन बोर्ड में बहुत ज़्यादा पाइप गिरा है। बहुत ज़्यादा का पाइप गिरने का मतलब ये हुआ, मैं जितने भी रूम है सारे के रूम अलग अलग पाइपिंग यहाँ पर गिरा है। मतलब एक पाइप हो गया एक रूम का, दूसरा पाइप हो गया दूसरा रूम का, तीसरा पाइप है तीसरा रूम का, चौथा पाइप है चौथा रूम का। आपको इसी तरह सर्किट गिराना है सेलिंग में पाइप डालते समय, ठीक है। ये तो सेलिंग में पाइप डालते समय आपको सर्किट डालना है, पाइपिंग करना है, उसे आपको झीली काट कर आपको मेन बोर्ड को बैठाना है, जिससे आपको MC बॉक्स बैठाना है। गाइस मैं आप लोगों को एक बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाला हूँ। गाइस सर्किट आप एक ही रूम का एक सर्किट खींचेगा, मतलब बहुत इजी मैं आपको बताने, तो मैं आपको बहुत ही इजी समझाने वाला हूँ सर्किट कैसे खींचते हैं। तो गाइस आपको करना क्या है, मान लीजिए हमें इस रूम का सर्किट खींचना है। सर्किट मतलब दो मेरा वायर होगा, एक न्यूट्रल और एक फेज होगा। हम क्या करेंगे, इस रूम से एक न्यूट्रल फेज निकालेंगे, ठीक है गाइस, न्यूट्रल फेज निकालेंगे, और उसी वायर को हमको MC बॉक्स तक पहुँचाना है। जैसे आप MC बॉक्स तक पहुँचाएगा या मेन बोर्ड तक पहुँचाएगा, वो आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। गाइस हम क्या करेंगे, न्यूट्रल फेज इस बोर्ड से लेंगे और MC तक पहुँचा देंगे। तो गाइस ये मेरा सर्किट हो जाएगा कम्प्लीट ही। आपको बीच में कहीं वायर ज्वाइन नहीं करना है, आपको इस चीज़ ध्यान दीजिएगा। आपको जब ये बोर्ड से न्यूट्रल फेज निकालेंगे MC बॉक्स के लिए, सर्किट के लिए, तो आपको इस बीच में रास्ता में आपको कोई न्यूट्रल फेज नहीं जोड़ना है। बस आपको इस बोर्ड से डायरेक्ट न्यूट्रल फेज निकालना है और आपको MC बॉक्स तक पहुँचा देना है। आपको MC बॉक्स जैसे ही पहुँचे, कोई भी रास्ता पहुँचे, मेरा तो शॉर्टकट रास्ता है, पीछे से हमने ले लिया शॉर्टकट। अगर हम ऊपर से ले लेते तो मेरा बहुत सारा वायर लगता और थोड़ा डालने में दिक्कत होगा। मैंने शॉर्टकट उपाय लिए, आप भी शॉर्टकट सोचिए, या आप अपना रास्ता देखिए कहाँ से आपको रास्ता बना हुआ है, जहाँ से आपको रास्ता मिलेगा, जहाँ से रास्ता बना होगा, बस आपको क्या करना है, बोर्ड से न्यूट्रल फेज निकालना है और MC बॉक्स तक डाल देना है, और आपको बीच में कहीं भी वायर को ज्वाइन नहीं करना है, ना ही न्यूट्रल ज्वाइन करना है, ना ही फेज ज्वाइन करना है। ये आपका हो गया सर्किट, ठीक है। आपको सर्किट समझ लिए, बस आपको बोर्ड से उठाना है और MC बॉक्स तक पहुँचा देना है। फिर आपको बगल से रूम को वही करना है, MC मेन बोर्ड से निकालना है दो वायर, आपको MC तक पहुँचा देना है। आपका दो सर्किट हो गया। मान लीजिए आपके पास तीन रूम है, तब तीसरा रूम से क्या करेंगे, न्यूट्रल फेज उठाएगा और MC बॉक्स तक डाल दीजिएगा। ये आपका तीन सर्किट होगा, तो समझ में आगे होगा कैसे आपको सर्किट वायर डालना है कैसे किस। तो जितेंद्र साहू मैं आपके लिए स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ, आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर जब हम दूसरा रूम में आ गए हैं, और आपको क्या करना है, आपको कोई भी रास्ता बनाओ, किसी भी तरह का रास्ता बनाओ, या मुश्किल हो या कठिन हो या सरल हो, जो भी हो सही आसान हो, तो आपको क्या करना है, इस बोर्ड से आपको न्यूट्रल फेज लेना है, आपको MC बोर्ड तक पहुँचा देना है, आपके जितने भी घर का रूम हो। हम अभी दूसरा रूम आ गए, हमने क्या किया, इसी रूम का हम वही प्रोसेस किए हैं।
यहाँ पे मेरा दो मेन वायर हो गया नेटवर्क और फेज। हमने इस बोर्ड से निकाले और एम से बॉक्स तक पहुँचा दिए और हम बीच में कहीं भी ज्वाइन नहीं किए, आपको ज्वाइन नहीं देना सर्किट वायर। तो आइए आपको सर्किट समझ आगे होगा। अब हम बात करते हैं अगर हम एक पूरा घर का एक नेटवर्क बनाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। मान लीजिए आपके सर्किट केवल फेज खींच रहे, फेज आपको एम से डाल रहे और आपका एक नेटवर्क यहाँ से उठा रहे इस बोर्ड से और पूरा घर में कनेक्ट कर रहे हैं। तो गाइस इससे प्रॉब्लम क्या होगा, अगर मान लीजिए आपके नेटवर्क कहीं शॉर्ट हो जाए, अगर नेटवर्क शॉर्ट हो जाए, नेटवर्क जल जाए, तो आपको जितने भी आपके घर है, जितने भी इस नेटवर्क से आपने सप्लाई दिए हैं रूम बाय रूम का, उसका लाइट ऑफ हो जाएगा। गाइस ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा क्योंकि आप एक ही वायर लिए हैं और एक वायर पूरा अपने घर में कॉमन किए हैं और कॉमन करने के बाद अपने बोर्ड में डाल दिए हैं। अब कहीं से भी अब फॉल्ट होगा, मान लीजिए इस रूम का फॉल्ट होगा, तो मेरे सारे रूम का लाइट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सर्किट लेते हैं न्यूट्रल फेज, अलग अलग रूम का अलग अलग न्यूट्रल फेज लेते हैं, तो अगर आप एक रूम का प्रॉब्लम होगा तो गाइस आपका और रूम का लाइट जो जलेगा, बस आपके इसी रूम का प्रॉब्लम होगा और आपका लाइट ऑफ होगा। बाकी आप जितने भी आपके रूम है सारे का आपका लाइन जलेगा अगर आप ये न्यूट्रल फेज अलग अलग सर्किट खींच रहे तो। अगर हम एक कॉमन करेंगे तो मेरा एक ही रूम का लाइट खराब होगा, तो पूरा लाइट मेरा ऑफ हो जाएगा। गाइस आपको जितेंद्र जो भी है आपको समझ आ गया होगा, हम कॉमन न्यूट्रल को नहीं बनाएंगे, हम अलग अलग सर्किट खींचेंगे ताकि मैं जो मेरा एक घर का लाइट खराब हो तो और भी लाइट जलना चाहिए। और दूसरा बात ये हुआ, अगर हम पूरा कॉमन करते हैं न्यूट्रल तो मेरा न्यूट्रल पर लोड आएगा गाइस। आसान बात है गाइस, लोड अभी करेगा, लोड आएगा तो ये टायर को पिघलने का जलने का चांस रहेगा, जिससे आपको बार बार आपके घर में प्रॉब्लम आते रहेगा। तो मेरा कहना यह कि गाइस आप कभी वायरिंग करें तो रूम बाय रूम का अलग अलग सर्किट खींचे ताकि रूम का सेपरेट रहता है, उसमें आप एमसी बॉक्स लगा सकते हैं, एमसी बॉक्स रवे करेगा तभी आपको सर्किट खींचना है। अगर मान लीजिए आपके पास एमसी बॉक्स ना हो तो मेन बोर्ड जरूर रहेगा, मेन बोर्ड रहेगा तभी भी आप सर्किट वायर खींच सकते हैं बहुत ही आसानी से। जरूरी नहीं है एमसी बॉक्स रहेगा तभी आप सर्किट वायर खींचेंगे, आपको मेन बोर्ड रहेगा तभी आप सर्किट वायर खींच सकते हैं और बोर्ड में आपको एमसी बॉक्स फिट कर सकते हैं, एमसीबी को फिट कर सकते लगा सकते हैं। आइए आपको समझ में आया होगा कैसे सर्किट खींचा जाता है और अगर हम एक न्यूट्रल को कमन करेंगे तो मेरा क्या प्रभाव होगा। क्या गाइस ये वायर को जल भी जाएगा, लोड भी पड़ेगा और आपका पूरा घर का लाइट ऑफ हो जाएगा। इसलिए गाइस आप सर्किट खींचने का ज़्यादा प्रयास कीजिएगा ताकि आपका एक रूम का लाइट खराब हो तो आपका अगले रूम का लाइट जले, जैसे आपको उससे रूम के काम चले। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आएगा वीडियो पसंद आता फ्रैक्स लाइक करें और गाइस मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये आपका सरप्राइज कैसे लगा जो हमने अभी आपको सरप्राइज अनबॉक्सिंग कर दिए हैं, टेस्ट सर्विस बाजार कर दिए हैं। तो फ्रैक्स जाइए, होली देख लीजिए ऑफर चल रहा है, फ्रैक्स आप ऑर्डर कीजिए और ऑर्डर करिए और बहुत बढ़िया लाभ उठाइए। होली देख लीजिए ये ऑफर चल रहा है, लाभ उठाइए, आप प्रोडक्ट ऑर्डर कीजिए और ये मेंस का प्रोडक्ट आपको मिलेगा यहाँ पर। जितने मेंस का जो भी प्रोडक्ट चाहिए, जो भी आपको ऑर्डर करना है, मेंस केवल मेंस के ही यहाँ पे मिलता है, जीन्स टी शर्ट शॉर्ट शू सब चीज़ मेंस का मिलता है यहाँ पे। तो फैक्ट जाइए, मैं दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक कीजिए और वहाँ पर अपने मनपसंद प्रोडक्ट ऑर्डर कीजिए। सॉरी बाइस, तब के लिए बाय बाय, जय हिंद।